फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सभी को प्रणाम। मैं नंदिनी तिवारी और आज बिना बताए लाइव आ गई हूँ। कुछ खास वजह है और इस वजह से मुझे आज लाइव आना पड़ा। वो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई थिंक सो 5000 कंप्लीट है और उसके अलावा भी 4000 के ऊपर मेरे फॉलोअर हैं और टोटल मिला के मेरे ख्याल से 9-10 हज़ार फ्रेंड्स तो अभी में जुड़े ही हैं। और उसमें से इतने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरे गाने सुनते हैं, इनफैक्ट शेयर भी करते हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे लोग हैं फेसबुक, व्हाट्सअप एंड ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरा गाना जो रिलीज़ हुआ है उसको बहुत कम लोगों ने अभी तक देखा है, जिस वजह से मैं थोड़ा सा अंदर से हर्ट हूँ कि मैंने इतना मेहनत किया है। किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, शायद देखते नहीं हैं या जो भी वजह है। अगर कुल मिला के हमारे ऑडियंस में 40-50 हज़ार भी लोग हैं हमारे कांटेक्ट में, तो उसमें से अगर 5-10 हज़ार लोग भी देखें तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी कि आप सबका मुझे आशीर्वाद मिलता है, स्नेह मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा इस टाइम पे आप सबकी ज़रूरत है। अगर आप सब हमारे गीत को नहीं देखेंगे तो हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगा कहीं से, और ये सब आपकी वजह से है जो मैं आज यहाँ तक हूँ और मुझे और आगे जाना है, जिसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए। गाने को सुनना पड़ेगा और मेरे चैनल में जा करके वो गाना ज़रूर सुनिएगा। क्या बात है, देखिए सभी लोग ऑनलाइन आ गए हैं, सभी को प्रणाम है। जितेंद्र भैया, थैंक यू सो मच। उदेश कुमार जी, थैंक यू सो मच। देवेंद्र जी, थैंक यू। शिवम जी, थैंक्स लॉट जी। लड़की कमाल क्यों एल्बम का नाम है और तो मैं चाहती हूँ कि आप सब देखिए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, पैसा लगता है, पूरी टीम का मेहनत लगता है, तो कहीं ना कहीं हर्ट होता है अंदर से कि हम सब इतना मेहनत करते हैं, आप लोग क्या मेरे लिए इतना 5 मिनट नहीं निकाल सकते अपनी लाइफ का? अगर आपके जीवन का मैं आपसे 5 मिनट मांगूँ तो शायद कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं बिना बोले मांगूँ तो क्या आप समय दे नहीं सकते? हम आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं आप सबसे कि नंदिनी तिवारी ऑफिशियल चैनल पे जाइए, उस गाने को देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिएगा, साथ में चैनल भी, अगर और भी गाने सुनना आपको अच्छा लगेगा मेरा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनों में प्लीज़ शेयर कर दीजिए, एक सपोर्ट मेरे लिए कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और कहीं ना कहीं ये सब आप लोगों का देन है जो इतना बड़ा हौसला मुझे देते गए हैं, कंटिन्यू देते रहते हैं और जिस वजह से मैं काम करती हूँ। आई होप आगे भी आप सब सपोर्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, सभी को प्रणाम करती हूँ, जिसका भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ मैं सबको प्रणाम करती हूँ और सॉरी बोलती हूँ। और अभी मैं एक एक करके, अवनीश जी बिल्कुल आपका सॉन्ग देखेंगे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हसन जी कैसे हैं आप? डीजे प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, प्लीज गाने को शेयर कर दीजिए सभी के बीच में, अगर जाएगा कहीं ना कहीं एक तिनका तिनका से ही कुछ अच्छा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी फ्रेंड है फेसबुक पे और भी व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोग हैं जो इग्नोर कर देते हैं, मतलब लिंक भेजा जाता है पर्सनली फिर भी लोग इग्नोर कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ना के बराबर लोग रिस्पॉन्स देते हैं। तो मैं नहीं मतलब चाहती कि मैं किसी को कुछ कहूँ, बट ये तो किस्मत की बात है कि लोग कह देते हैं कि नंदिनी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, बहुत आगे जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब तक इंसान हमारी वीडियो को देखेगा नहीं, हमारे गाने को सुनेगा नहीं, तब तक हम कभी आगे नहीं जा पाएंगे। ये पब्लिक ऐसी है कि आपको बिना देखे चाहे वो कैसे भी हो, मार्केट में भी आपका जब तक रिस्पांस, व्यूअर ही आजकल दिखा देता है कि आपका व्यू अच्छा है तो आपकी पब्लिसिटी है। तो आई डोंट नो व्यूअर से है या जो भी है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जानती हूँ कि मेरे व्यू तो बहुत अच्छे अच्छे गए हैं, मतलब 31 मिलियन क्रॉस किया है, 20 मिलियन है टीएफ से भी है, सारे कॉट से भी है और भी अदर चैनल पे भी है, बहुत सारे मिलियन में व्यूज हैं, लेकिन मैं उन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ बिकॉज वो
ठीक है, लक है, किस्मत है, जो भी है। और मैं आप सब पे भरोसा करती हूँ कि आप सब मुझे मेरे चैनल पे भी उतना ही प्यार देंगे, उतना ही आशीर्वाद देंगे, उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना मैं उम्मीद करती हूँ। और सिर्फ वो शायद 3 मिनट का गाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आप 4 मिनट मेरे लिए निकाल लीजिए। प्लीज़ मेरे गाने को एक बार देखिए, सुनिए और कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़। सत्या तिवारी जी, थैंक यू सो मच। जितेंद्र भैया, आज देखिए बहुत दिन बाद मेरा एक गाना है जो कम्प्लीटली मिक्सिंग होके आ गया है। आशीष जी म्यूजिक दिए हैं, नितिन लगन जी ने उस गीत को अपने कलम से सजाया है और आप सबकी इस छोटी सी सिंगर ने उस गीत को गाया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा और वो गीत भी जल्दी ही आप सभी के बीच आएगा। देखिए हमारे बहुत ही अच्छे राइटर, बहुत ही नेक दिल इंसान गंगा सागर भैया हमें वॉच कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, भैया को दिल से प्रणाम है। उम्मीद करती हूँ आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और जल्दी आप ठीक हो जाइए। हम सब के लिए कुछ कीजिए, हम सब आप सबकी बदौलत है और कुछ भी नहीं। सुमित जी हमें देख रहे हैं, डीजे प्रकाश जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डीजे प्रकाश जी। जितेंद्र भैया जी, थैंक यू। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से है फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो है। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है इसलिए मैं सुना दी। तो चलिए मैं अपना भी सॉन्ग आप सभी को सुना देती हूँ क्योंकि वो भी ज़रूरी है, खासकर जब एक मैं सिंगर हूँ तो मुझे भी अपने गाने का भी प्रमोशन ज़रूरी है। मैं बोल तो सकती हूँ बट उसको गाना भी मेरा फर्ज है। तो चलिए डुएट सॉन्ग है जो मेरे साथ में मास्टर विकास जी, बहुत ही अच्छे प्लेबैक सिंगर हैं, विनर रह चुके हैं सारेगामा प के, तो उनके साथ में ये मेरा डुएट सॉन्ग है और मेरे साथ में उन्होंने इस गीत में सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, डुएट किया है। तो साथ में मैं सुनाती हूँ, कंपोजिंग मेरा है, लिरिक्स मेरा है एंड म्यूजिक दिया है विशाल चौरसिया जी ने और नंदिनी तिवारी ऑफिशियल चैनल से रिलीज हुआ है, डायरेक्शन किया है अनुप तिवारी जी ने, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है। तो चलिए अपना भी गाना सुना देती हूँ। मुंडिया तेरे हाथ ना ना दिल अपना नहीं तुझको देना जा रे जब तू पांच फुट ले मुंडिया तेरे हाथ ना ना दिल अपना ने तुझको देना जा रे जब तू पांच फुट ले तू नच दे कमाल सोड़े है ओ आजा मेरे नाल सोड़े ओ नच दे कमाल सोड़े चल आजा मेरे नाल सोड़े। थोड़ा ये रैप सॉन्ग है जो कि बहुत पहले ही डबिंग हो चुका था बट कुछ कंडीशन थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से वो रिलीज नहीं हो पाया था। फाइनली अभी वो रिलीज हुआ है आज सुबह सुबह में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप सब प्लीज गीत को सुनिए, देखिए और शेयर कर दीजिए प्लीज।
सतवीर जी, थैंक यू। विराट जी, मोहमिया कौन है भाई? आई डोंट नो, शायद मैं नहीं सुनी हूँ उनका गीत, तो इसके लिए सॉरी बोलती हूँ, बट जो भी पॉसिबल है वो मैं आपको सुना देती हूँ। ऋतिक दुबे जी हाय, सूरज जी हेलो, थैंक यू सो मच सतवीर जी। अंकित जी थैंक यू सो मच। आज तुझे से जो कहना है कहने दे, आज तुझे से जो कहना है कहने दे, मेरा दिल तेरे पास रहने दे, मेरा दिल तेरे पास रहने दे। अविनाश जी परेशानी की बात है, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब इतना मेहनत करते हैं, इतना पैसा जाता है, और सच्ची बोलूँ तो अभी तक मैंने चैनल से कुछ भी नहीं कमाया है, और मुझे पता है कि मैं कमाने के लिए वैसे भी चैनल क्रिएट भी नहीं की, थोड़ा मुझे खुद भी ऐसा था कि मैं अपने चैनल के लिए वर्क करूँ, तो मैं वर्क कर रही हूँ, लेकिन आप सबके बिना सहयोग के मेरा चैनल कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे गाने को देखिए, शेयर कीजिए। अब मैं सैड क्वीन हूँ, मुझे पता है मेरे गाने सबको ज़्यादातर सैड पसंद आते हैं, बट मैं क्या करूँ, मुझे कहीं ना कहीं हर टाइप का गाना निकालना पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस एक ही चीज़ को सुन सुन के बोर हो जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ खास, कुछ अच्छा अच्छा प्रेजेंट करती रहूँ, और वीडियो में भी मैं खुद डायरेक्शन दे देती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज रहेगा, कुछ अलग सा रहेगा तो बेहतर लगेगा पब्लिक को भी, और मुझे खुद भी क्रिएट करना अच्छा लगता है कि कुछ डिसेंट रहे, और वही घिसा पिटा वीडियो नहीं अच्छा लगता, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ बेहतर करूँ आपके सामने, और बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करती हूँ, हालांकि मेहनत के लिए तो मैं कभी किसी से कंपेयर नहीं करूँगी, बिकॉज मेरे से भी बहुत ज़्यादा लोग मेहनती हैं इस दुनिया में, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि उनको भी वही मुकाम मिल सके जो सभी को मिलता आ रहा है, तो मैं अपने तरफ से मैं बहुत मेहनत करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि और भी मैं मेहनत करूँ, बहुत आगे जाऊँ, लेकिन आप सबके बिना मैं कभी आगे नहीं जाऊँगी, इतना तो पता है। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं फेसबुक में, व्हाट्सअप में, इंस्टा पे हैं, बहुत सारे ट्विटर पे हैं, मतलब सभी जगह हैं, और उसमें से बहुत कम लोग हैं जो गाने को देख पाते हैं। मुझे नहीं पता है कि शायद आप लोग के पास टाइम नहीं है, या कहीं ना कहीं आप सभी अपने काम में बिजी होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुरंत लिंक शेयर करूं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुरंत लोग मेरा गाना देख ही ले, बट मैं चाहती हूँ कि जब भी आपके पास टाइम मिले अपने इस 24 घंटे में, अगर 3 मिनट आपके पास मिले, ये 3 मिनट का गाना है, तो प्लीज़ इस गाने को देखिए, और मेरे लिए एक सपोर्ट कीजिएगा एक कमेंट करके, ताकि मुझे लगे कि आपने उस गाने को देखा। रौनक पांडे जी थैंक यू सो मच। बस यही कहना था, और चलिए फिर सभी से विदाई लेती हूँ, और सभी का दिन रात शुभ हो, हर घड़ी शुभ हो, यही कामना है। रौनक जी थैंक यू सो मच, और मैं प्रभु से कामना करूंगी कि आप भी अपने कार्य में खूब सफल, खूब आगे जाइए, यही तरक्की कीजिए, ये कामना है। मनोज जी हेलो, कैसे हैं आप? गणपति बप्पा मोरिया, देखिए हमारे बिल्डिंग के बाहर है, जो कि कंटिन्यू आवाज आ रही है, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, बिकॉज आज भी गणपति जी का विसर्जन है, तो सभी लोग खूब सारा भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी हम सब का काम चालू हो जाए जो कार्यक्रम का होता है, क्योंकि अभी ये ऐसा टाइम चल रहा है कि हम लोग एक भी दिन बैठने वाले में से नहीं थे, हमेशा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ लगा रहता था, बट इस साल का मैं क्या बताऊँ, सभी अपने अपने जगह बैठे हैं, कोई कहीं काम नहीं कर पा रहा है, तो कोरोना जल्दी खत्म हो जाए, सबका दिन शुभ हो जाए।
मैं तो हो गई हूँ पागल बेलिया, तेरे प्यार में तन्हा जिया न जाए मुझसे, रहती इंतजार में हो गई हूँ पागल बेलिया तेरे प्यार में। ये भी मेरा सॉन्ग है जो रिकॉर्ड होने वाला है 2 दिन में, और ये गाना बहुत प्यारा लिखा हुआ है, और इसको मैं कोशिश करूँगी कि बहुत बेहतर गा सकूँ और आप सभी के बीच ला सकूँ। तो ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए, और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके माध्यम से हमारे और भी आपके माध्यम से मेरे गीतों को और भी लोग देख सकें। हाय आशीष यादव जी, मेरे साथ भी गाना है आपके साथ में। अच्छा, आशीष जी के साथ में मेरा पहले भी डुएट सॉन्ग आ चुका है, और आशीष जी आप कभी भी याद कीजिए, हम सब हैं ही कलाकार गाने बजाने के लिए, तो हम सब अवेलेबल है एनी टाइम। थैंक यू विवेक भैया, थैंक यू सो मच। बादल जी हेलो, बादल जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिंगर रौनक पांडे जी, क्या बात है जी, क्या नोट लगाती हैं, थैंक यू सो मच रौनक जी। बस कोशिश करती हूँ कि लग जाए वो नोट, हालांकि मुझसे बहुत बेहतर बेहतर सिंगर हैं मार्केट में जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रियाज करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बट कोशिश तो मैं भी करती हूँ कि नहीं, हाँ मैं अपने तरीके से बेहतर कर सकूँ। बस बाकी आप सबका आशीर्वाद जी, देखते हैं रौनक जी प्रोग्राम चालू होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट हो जाए तो अच्छा है यार, बहुत बोरिंग सा लगता है, बिना काम के मन नहीं लगता है, बट उसी में शूटिंग और रिकॉर्डिंग चल रहा है थोड़ा बहुत, तो टाइम पास और काम भी चल रहा है। कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है, उसके लिए मेरे होठों पे हाँ है, मेरा दीवाना है कहता है वो, पर छुप छुप के जाने रहता है क्यों, कर बैठा भूल वो ले आया फूल वो, उसे कहो जाए चांद लेके आए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। थैंक यू सो मच रौनक जी, आप भी खूब आगे जाइए, खूब तरक्की कीजिए, मैं भी प्रार्थना करती हूँ भगवान से। तो चलिए सभी से प्रणाम करती हूँ और फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लड़की कमाल की हूँ एल्बम का नाम है, और नच दी कमाल सोड़िए सॉन्ग का नाम है, तो प्लीज उस गीत को सुनिए, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंदिनी तिवारी ऑफिशियल चैनल पे वो गाना रिलीज हुआ है, तो प्लीज आप सब देखें, खूब सारा प्यार आशीर्वाद आपके इस सिंगर पे दें। ओके बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।